नागपुर कलमना इलाके में सरजाबार के पास नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया का उड़ान पुल बनने से पहले ही गिरने से कई विरोधी पार्टियों द्वारा आवाज उठाई जा रही है। वहीं गुरुवार को आम आदमी पार्टी द्वारा आंदोलन किया गया। इस दौरान दोषी अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। नितिन गडकरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृष्णा खोपड़े होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृष्णा खोपड़े होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईमानदारी से काम करो, काम करो, काम करो। ईमानदारी से काम करो, काम करो, काम करो। हटिया काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागपुर भरतनगर कलमना परिसर में NHAI द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा मंगलवार की रात अचानक गिर गया। कई सालों से बनाए जा रहे पुल में एक पिलर पर स्पेन को बियरिंग के लिए हाइड्रोलिक जैक से उठाया जा रहा था, तभी जैक से स्पेन फिसलकर गिर गया। रात करीब 9:30 बजे के बीच चौक से लगे भाग में हुए इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि इसे पुल निर्माण में किस दर्जे का इस्तेमाल किया गया है ये स्पष्ट होता है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी द्वारा आंदोलन किया गया। आंदोलन राज्य समिति सदस्य व विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े और राज्य कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह के नेतृत्व में किए गए आंदोलन में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस ब्रिज को देख के लग रहा है कि कितना इसमें टेक्निकल फॉल्ट है। आप अगर खाली आंखों से भी देखेंगे तो जहाँ पे बेस पे सॉकअप पे जो बेस आना चाहिए वो सही जगह नहीं दिख रहा है, जिसके कारण इस तरह की हादसा हुई। और ये 5 साल से ब्रिज बन रहा है, मतलब 5 साल में भी अगर आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, और साथ में जो दोषी अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनता का पैसा का सदुपयोग हो सके और भविष्य में इस तरह की कोई घटना न